जयपुर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जयपुर जिले के नोडल ऑफिसर अजिताभ शर्मा पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं आज भी जिला कलेक्ट्रेट में सभी अधिकारियों के साथ अजिताभ शर्मा ने बैठक ली। इस दौरान हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने अजिताभ शर्मा और जिला कलेक्टर जोगाराम से खास बातचीत की और जाना कि अब जयपुर को लेकर प्रशासन का क्या अगला प्लान है। कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार प्रदेश में बढ़ रहा है, लेकिन जयपुर में सरकार और प्रशासन की ओर से रोकथाम के प्रयास लगातार जारी हैं। जयपुर शहर में संक्रमण ना बढ़े, जयपुर शहर के नोडल ऑफिसर अजिताभ शर्मा लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। आज कलेक्ट्रेट में इन्होंने सभी जो अधिकारी हैं कोरोना संक्रमण से बचाव में जिनकी ड्यूटी हुई उनकी बैठक ली है। अजिताभ जी, आज आपने बैठक भी ली है, क्या निर्देश अधिकारियों के? देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है उसके बारे में यहाँ के सभी जो आर एस अधिकारी हैं और जिला कलेक्टर हैं उनके साथ बैठक की गई है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के भी अधिकारी उपस्थित थे और अब आगे की जो रणनीति है जो तैयार की गई है उसके बारे में चर्चा की गई। और मुख्य रूप से यह है कि यदि 3 तारीख के बाद जो भी स्थिति लॉकडाउन के बारे में होती है, जो निर्देश केंद्र सरकार से आएंगे, जो राज्य सरकार निर्देश जारी करेगी, उसके अनुरूप जो तैयारी की जानी है। और उसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाना है कि जो शहर का बाहरी इलाका है उसमें किसी भी प्रकार से संक्रमण नहीं फैले, और जो परकुटे के अंदर का क्षेत्र है, विशेष रूप से रामगंज क्षेत्र है, उसमें भी संक्रमण जो बढ़ने की उसकी संभावना है उसको रोका जाए, उसके लिए क्या क्या तैयारियां की जानी है। और वहाँ पे विशेष रूप से रामगंज इलाके में जो ज़्यादा एज के लोग हैं और जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जो अन्य बीमारियों से ग्रसित है, उनके बारे में क्या पहले से ही तैयारियाँ की जानी है, उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, और यदि उन्हें उपचार की आवश्यकता है अग्रिम उपचार की तो उसके लिए भी जो व्यवस्था की जानी है उसके बारे में पूरी चर्चा की गई। और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और जो हमारे जिला प्रशासन के अधिकारी जो मौके पर रामगंज क्षेत्र में मौजूद हैं और जो बाहरी इलाके में मौजूद हैं वो सभी अच्छा काम कर रहे हैं। जिला कलेक्टर की टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो वो सब मिल कर के अब जो आगे का समय है, मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भी आसान नहीं है, वो भी उतना ही कठिन समय है, तो उसको भी उसी रूप से देखा जाए और किसी प्रकार की कोताही या ढिलाई उसमें नहीं बरती जाए, इन्हीं सभी बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए बैठक रखी गई थी। बड़ी संख्या में सर जयपुर शहर में जो मजदूर हैं उनके लिए भी सेंटर्स बनाए गए, उनको ठहरने की व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई, जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं उनमें संदिग्धों को रखा जा रहा है, कितनी संख्या में जो संदिग्ध हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया अभी? अभी देखिए, वर्तमान में जो क्वारंटीन किए जाने की व्यवस्था है वो हमारे पास लगभग हमारे 5,000 तो ऐसे मतलब बेड्स हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, और बाकी के जो 5,000 हैं वो भी शीघ्र ही हम आने वाले 4-5 दिन के समय में वो तैयार हो जाएंगे। तो अभी वर्तमान में जो हमारी कैपेसिटी है वो लगभग 10,000 व्यक्तियों को क्वारंटीन हम कर सकते हैं, परंतु अभी हमें इतने बेड्स की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और लगभग 3,000 के करीब जो व्यक्ति हैं उनको हम क्वारंटीन कर चुके हैं, उसमें से 1,000 के करीब है जो अपना 15 दिन का पूरा समय करके वो क्वारंटीन सेंटर्स से निकल भी चुके हैं, और वहाँ पे जो JDA कमिश्नर हैं उनके माध्यम से खाने पीने की व्यवस्था और जो वहाँ पे डॉक्टर्स का जो नियमित जांच और उनको चेकिंग करनी पड़ती है जो व्यक्ति क्वारंटीन में होते हैं, वो सभी काम हमारा मतलब सुविधाजनक रूप से चल रहा है। और शुरू में जो कुछ शिकायतें हमारे पास आती थी भोजन व्यवस्था आदि को लेकर के, अब वो शिकायतें बिल्कुल नगण्य हो गई हैं, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी सुविधाजनक रूप से सभी सेंटर्स हमारे चल रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने भी अपील की कि जनता प्रशासन का पूरा सहयोग करें, आप नोडल ऑफिसर हैं, जनता का कैसा सहयोग जयपुर में मिल रहा है? जनता का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, कहीं पे कोई कठिनाई नहीं आ रही है, परंतु जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि जनता के अधिक सहयोग की आवश्यकता है तो हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो पुलिस अधिकारी हैं वो काफ़ी तत्परता से काम कर रहे हैं, और समझाइश करके और अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके हम लोगों को समझा लेते हैं कि जो भी प्रशासन की चिकित्सा विभाग की कार्रवाई है वो उन्हीं के हित के लिए है। तो हमारे साथ हैं जिला कलेक्टर जोगाराम जी भी। जोगाराम जी, राहत के काम जिला प्रशासन की ओर से लगातार जारी हैं, अभी तक की बात करें तो कितनी जांचें जयपुर शहर में की गई और अभी कितने राहत के प्रयास जयपुर में किए? देखिए, राहत को लेकर के बहुत सारे एंगल्स हैं जिसमें सरकार की तरफ से काम किया जा रहा है। लगभग 17,000 से अधिक लोगों को 2,500 रुपये उनके खाते में भिजवाए जा चुके हैं, ये जो स्ट्रीट वेंडर्स और जो डिस्ट्रीब्यूट से उनका है। इसके अलावा खाद्यान्न जो PDS के माध्यम से खाद्य सुरक्षा में चयनित व्यक्ति है उनको 1 माह का जो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जा चुका है। लगभग 2 लाख के आसपास पके हुए भोजन के पैकेट प्रतिदिन वितरित किए जा रहे हैं, और
पूरे अभी तक जो ड्राई राशन के किट है पूरे ज़िले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिला के लगभग 3,30,000 से अधिक किटों का वितरण किया जा चुका है। सर, श्रमिकों को उनका घर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जयपुर जिला प्रशासन की बात करें तो जो डिस्ट्रिक्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट जो मजदूर हैं उनको पहुँचाने की क्या प्रोसेस आ गई? अभी जो स्टेट गवर्नमेंट से जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से असेसमेंट किया जा रहा है और आगे जो निर्देश जिस गाइडलाइन में दिए गए उसके हिसाब से अन्य राज्यों से कोऑर्डिनेशन करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे जिला कलेक्टर जोगाराम, जो लगातार जयपुर शहर में राहत के प्रयास इनकी ओर से जारी है। प्रशासन की ओर से भी पूरा प्रयास बचाव का किया जा रहा है। कोरोना का संक्रमण लगातार जब बढ़ रहा है उसकी रोकथाम की जाए और संक्रमण कहीं ना कहीं ना फैले इसके प्रयास में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय गिरी के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर।